பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே காங்கிரஸ் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் தற்போது துல்லிய தாக்குதலுக்கான அவசியமே இடம் இல்லை என்று பாஜக தேசிய தலைவர் அமித்ஷா கூறியுள்ளார் நியூஸ் எயிட்டின் குழுமத்தின் அஜெண்டா இந்தியா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அமித்ஷா குழுமத்தின் மேலாண் இயக்குநர் ராகுல் ஜோஷியின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார் इसके बावजूद जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा पाकिस्तान में फ्रीली काम कर रहे हैं घूम रहे हैं और आए दिन कश्मीर पर हमला कर देते हैं तो इस पर सरकार का क्या कदम रहेगा क्या इसका जवाब है इससे कुछ बड़ी स्ट्राइक या कोई और कठोर कदम देखिए मैं मानता हूं कि 10 साल पहले अगर इस प्रकार के कठोर कदम उठाने की शुरुआत हुई होती तो आज दोनों हाथ से होते ही नहीं सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक और उससे बड़ी स्ट्राइक, एक एक भी एक भी कदम हमारी सब पाकिस्तान प्रतिबली अमित शाह नार चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो आज भी उन्होंने कुछ प्रूफ हम लोगों से मांगा है कि पिस्तौल किस मेक की थी और एफआईआर आई लॉन्च किया कि नहीं किया भारत सरकार ने तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें करके वो ये दिखाते हैं कि इस बारे में वो सीरियस नहीं है सिर्फ बात को टालना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहे हो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो टेररिस्ट सरगना की भाषा बोल रहे हो किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं आप कहां खड़े हैं पहले आपकी साइड तय करिए देश की जनता के हितों के साथ खड़े शहीद जवानों के साथ खड़े देश की सुरक्षा बलों और सेना के उसके रहते भी प्रधानमंत्री ने एक नेशन वाइड एड्रेस किया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रवाद के मुद्दे से जोड़ रहा है और उसको उसके तरफ से आगे लेकर जा रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव नहीं होना चाहिए क्या देश में मैं मानता हूं देश का हर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए और देश की जनता ने तय करना शाह कुछ लोगों ने कहा कि कितने लोग मरे इसका क्या वो है आप वरिष्ठ नेताओं में पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ढाई सौ का नंबर एक आंकड़ा सामने रखा ये आंकड़ा आपने कहा से निकाला देखिए बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स थे मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कहा और मैं इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट नहीं देखा हिंदुस्तान के मीडिया के आंकड़ों पर ही किया है मैंने विदेशी मीडिया के आधार पर नहीं कहा है पर अमित जी एक एक चीज आती है कि अगर लोग अपोजिशन पार्टी कहती है कि अगर प्रूफ मांगो तो हम लोग को एंटी नेशनल कहा जाता है फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं अखिलेश कह रहे हैं कि जब भी प्रूफ मांगते हैं तो हमको बोल दिया जाता है कि हम एंटी नेशनल है प्रूफ देने में प्रॉब्लम क्या है अगर कोई प्रूफ हो सबूत हो तो दे देना चाहिए मुझे लगता है कि सेना ने एयरफोर्स ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक के समय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी इस बार एयरफोर्स और विदेश विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी इस देश में अभी ऐसे दिन नहीं आए हैं ஜனா்ஸ் காஷ்மீருக்கு சிறப்பந்தஸ்து வழங்கும் அரசியலமைப்பின் முப்பத்தி ஐந்து ஏ சட்டப்பிரிவை நீக்குவதில் பாஜகவின் நிலைப்பாட்டில் மாற்றவில்லை என கூறிய அவர் மாநிலங்களவையில் இதற்கு பெரும்பான்மை தேவை என்று கூறினார் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் இது சாத்தியமாகும் என தாம் நம்புவதாகவும் அமித்ஷா தெரிவித்தார்